हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखेंगे मैथ्स क्लास 12 में डिटरमिनेंट का आगे का क्लास, ठीक है। और ये फोर्थ क्लास है। और इससे पहले अगर आपने क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3, अगर ये तीनों अगर वीडियो आपने अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे जाकर के जरूर देखें, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। और वो अगर इससे पहले वाला जो क्लास था ना, उसको जरूर अच्छे से देखें और उसको एक बार नोट्स बनाए, कॉपी पे उसको लिखें, ठीक है। और कोई डाउट हो आप मैसेज करें, ठीक है, कॉन्टेक्ट करें कभी भी, ठीक है, कमेंट करें। तो आज हम लोग देखेंगे, पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, और ये सारे हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ गए थे, ठीक है, 6-7 प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे। और आज हम लोग उसी पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, कि एक्सरसाइज 4.2 में, ठीक है, ये डिटरमिनेंट का एक्सरसाइज 4.2 जो है उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के हम क्वेश्चन दिए हैं। तो उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे और उससे पहले कुछ एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लेते हैं अच्छे वाले, ठीक है। और जो भी हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं उसको जरा एक बार समझते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने ना पिछले क्लास में भी कुछ कराए हुए थे और उसमें थोड़ा वीडियो लंबा दम रहा था तो हमने कम क्वेश्चन कराए थे। तो पिछले क्लास में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पूरे पढ़ा दिए थे, ठीक है, उसको जरूर आप एक बार अच्छे से देखें। और फिर आज हम लोग जो हम करेंगे ये आपको तभी हम और अच्छे से समझेगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी यहाँ काम आएगी, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, ये एक डिटरमिनेंट दिया, ठीक है, या फिर ऐसा करके एक मैट्रिक्स दे सकते हैं, ठीक है। ऐसा अगर कर देते हैं तो मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसा लाइन डाल देते हैं तो ये मैट्रिक्स हो गया। और फिर उसके बाद बोलेंगे कि फाइंड डिटरमिनेंट, ठीक है, इसका डिटरमिनेंट निकालें। या फिर क्वेश्चन डायरेक्ट बिटवीन टू पैरेलल लाइन अगर दे दिया गया कि फाइंड बोल दिए, ठीक है, कि इसको फाइंड करें ए बी सी डी, ठीक है, मतलब इसका डिटरमिनेंट निकालें। या फिर एक ऐसा दे देंगे ए बी सी डी और फिर यहां लिख देंगे कि फाइंड डिटरमिनेंट, ठीक है, फाइंड डिटरमिनेंट मतलब क्या है, अगर बिटवीन टू पैरेलल लाइन अगर दे दिया जाए तो वो तो डायरेक्ट डिटरमिनेंट हो गया, तो बस फाइंड यहां पे लिख देंगे कि फाइंड, ठीक है, इसका वैल्यू निकालिए। या फिर इस टाइप का एक डिटरमिनेंट देकर के बोलेंगे, ये मैट्रिक्स देकर के बोलेंगे कि फाइंड डिटरमिनेंट, ठीक है। तो इस टाइप का हम क्वेश्चन इसमें आपको मिलेगा और इसको हम लोग प्रॉपर्टी लगा करके सिंपल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चाहे तो इसको हम लोग एक्सपेंड भी कर सकते हैं, ठीक है, चाहो तो R1 से, R2 से, R3 से, या फिर कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, आप जैसे चाहो वैसे एक्सपेंड करोगे, आंसर सेम आएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, ठीक है, आप चाहो एक्सपेंड करके भी आगे देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी क्या यूज करेंगे कि पहली बात देखो, इसमें हम लोग पिछले क्लास में जो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े थे, ये रो 1 है, रो 2 है और ये रो 3 है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि कॉलम 3 को, ठीक है, ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, तो कॉलम 3 को हम लोग ले जाएंगे कहाँ पे, तो कॉलम 3 प्लस कॉलम 2, ठीक है। कॉलम 3 में कॉलम 2 को अगर हम लोग प्लस कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, ठीक है, तो ये बन जाएगा यहाँ 1 1 1 ही बनेगा और कॉलम 1 2 तो वैसे ही रहेगा, ए बी और सी, और कौन सा 3 वाला चेंज होगा, तो इन दोनों को हम लोग प्लस करेंगे, तो यहाँ बी प्लस सी पहले से है, ए प्लस कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ सी और ए पहले से है, बी नहीं है, तो अब ये भी हो गया ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ ए भी है, सी प्लस कर लेंगे तो ये भी हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो पहली बात हम लोग क्या देखें कि कोई अगर डिटरमिनेंट दिया है तो उसको हम लोग चाहे तो एक्सपेंड करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक्सपेंड करके अगर सॉल्व करेंगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कुछ प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते हैं, तो ये प्रॉपर्टी दिया गया था कि किसी रो को या फिर किसी कॉलम को हम लोग दूसरे कॉलम के साथ प्लस माइनस कर सकते हैं, ठीक है, किसी रो एन को, ठीक है, उसी रो एन में प्लस कर सकते हैं किसी रो एम के साथ, और इसको चाहे तो के से मल्टीप्लाई करके भी, ठीक है, के से मल्टीप्लाई करके रो किसी भी, ठीक है। तो और जैसे कॉलम एन को हम लोग ले जा सकते हैं किसी कॉलम एन प्लस के टाइम कॉलम एम, कोई दूसरा एम, मतलब जैसे कि कॉलम, जैसे यहाँ पे देखो आर टू को, ठीक है, रो टू को हम लोग ले जा सकते हैं रो टू और प्लस 5 टाइम रो 1, ठीक है। ऐसे किसी भी हम लोग कॉलम को ले जा सकते हैं, कॉलम 1 को ले जा सकते हैं कॉलम 1 और प्लस 3 टाइम कॉलम 2 या कॉलम 3, किसी से भी, मतलब यहाँ पे क्या है, हम लोग प्लस माइनस कर
कर सकते हैं, ठीक है, प्लस कर सकते हैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर कॉलम में अगर ले जा रहे हैं तो कॉलम कॉलम ही एकदम होना चाहिए, यहाँ कॉलम, यहाँ कॉलम, यहाँ भी कॉलम, ये नहीं यहाँ कॉलम है, यहाँ कॉलम है, यहाँ रो हो जाए, नहीं, यहाँ रो है, यहाँ रो है, यहाँ भी रो होना चाहिए, ठीक है। मतलब किसी रो को हम लोग उसी रो के किसी दूसरे रो के नंबर से मल्टीप्लाई करके और प्लस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि लास्ट, ये मैंने बताए थे लास्ट प्रॉपर्टी, आपने पूरा देखा होगा। तो ये लास्ट में हमने बोला भी था कि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर ये प्रॉपर्टी आपको आता है तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने पहले इसको बता दिया क्योंकि हम लोग सबसे ज़्यादा यही वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे आज, ठीक है। चलो तो यहाँ से पहली बात हम लोग ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर लें, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अभी देखो यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी है, यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि टेकिंग टेकिंग a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम कॉलम वन, ठीक है। कॉलम वन से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। टेकिंग a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम कॉलम वन, मतलब किसी कॉलम को हम लोग चाहे तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या फिर कॉमन भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे a, b, c और d दिया है तो हम लोग चाहे तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। किसी रो और किसी कॉलम को हम लोग चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। किसी ये रो टू को हम लोग चाहे तो 5 times row 2 ले जा सकते हैं, ठीक है। मतलब इसको चाहे तो हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही हम लोग चाहे तो कुछ भी कॉमन निकाल सकते हैं, जैसे जो भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे रो टू में, तो रो टू कौन है, ये है रो वन और ये है रो टू। मतलब जब हम लोग मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये ए बी और 5 से रो टू में मल्टीप्लाई करना है, मतलब यहाँ 5c यहाँ 5d, ठीक है। तो ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हम कितना आ गया, देखो मल्टीप्लाई कर दिए तो ये मैट्रिक्स था, इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिए 5 से तो इतना आ गया, ठीक है। अगर हम लोग चाहे तो इसको डिवाइड भी हम कर सकते हैं, वापस से 5 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो 5 अगर कॉमन लेंगे तो फिर हम लोग वहीं पे आ जाएंगे, ठीक है ना। चलो तो ये थोड़ा ध्यान में एकदम रखना है कि अगर हम लोग जिस नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे उस पर यहाँ पे डिवाइड भी कर देना है, ठीक है। क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग किसी मैट्रिक्स को, हमने पिछले क्लास में बताए थे कि किसी मैट्रिक्स को या फिर किसी डिटरमिनेंट के किसी एक रो को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू उतने टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, याद है। जैसे ये एक मैट्रिक्स था तो अगर हमने इसको 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो अब ये डिटरमिनेंट वैल्यू जो है ना, इसका डिटरमिनेंट पहले इसका वैल्यू अगर x आ रहा था तो अब ये आ जाएगा 5x, क्योंकि हमने 5 से एक रो में तो मल्टीप्लाई करें, ठीक है। यहाँ रो टू में 5 से मल्टीप्लाई करें ना, तो इसका वैल्यू अगर इस डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर x आ रहा था तो इसमें हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 5x आ गया, तो इसलिए हम लोग 5 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि अगर हम लोग 5 से अगर डिवाइड कर देंगे तो अब ये इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम लोग किसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसे डिवाइड भी कर देंगे, ये हम याद रखना है। चलो तो यहाँ पे अगर हम लोग कॉमन अगर ले लेते हैं तो कॉमन निकाल दो। चलो तो यहाँ पे हम लोग, ठीक है, तो अभी हम लोग देखो यहाँ से ये हम लोग कॉमन निकालेंगे कॉलम 3 से, सॉरी यहाँ पे कॉलम 3 से। तो कॉलम 3 से अगर हम लोग कॉमन अगर निकाल देते हैं तो ये जो हम कॉमन है वो तो बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, कॉमन बाहर निकाल दो, और डिटरमिनेंट में यहाँ तो सेम रहेगा 1 1 1, और यहाँ ए प्लस ए बी और सी। देखो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिए तो क्या बचा, 1 बचेगा, कुछ भी नहीं है तो 1, ठीक है, तीनों जगह 1 आ जाएगा। यहाँ से भी हम लोग ए प्लस बी प्लस सी अगर कॉमन अगर लेंगे तो यहाँ पे 1 बच गया, ठीक है। तो हम लोग पहले ये प्रॉपर्टी यूज करें फिर ये प्रॉपर्टी यूज करें। अब हम लोग इसका वैल्यू लिख लेंगे 0, क्यों, क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी है कि 0 एज कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर सेम। तो ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि अगर दो कॉलम अगर सेम है तो उसका आंसर आएगा 0, या फिर दो रो अगर सेम है, यहाँ भी ए प्लस ए बी सी है और यहाँ भी ए बी सी है, फिर यहाँ डी ई एफ है, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, डिटरमिनेंट का इसका भी आंसर आएगा 0, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रो 1 और रो 2 दोनों क्या हो गया, सेम हो गया, ए यहाँ बी यहाँ सी। तो अगर किसी रो अगर दो रो अगर सेम है या फिर दो कॉलम अगर सेम है तो उसका डिटरमिनेंट का आंसर आएगा 0, ठीक है। तो ये हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े थे, ठीक है, इसमें ठीक है बच्चों। तो अभी हम लोग देखेंगे
आगे इसके आगे क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके आगे क्या बोला गया है कि ये एक डिटरमिनेंट दिया गया है और इसमें हम लोग इसका डिटरमिनेंट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं कि एक कॉलम में क्या है, तीनों एलिमेंट जीरो है, तो ये तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं कि अगर किसी कॉलम में या फिर किसी रो में अगर सारे एलिमेंट अगर जीरो है तो वो आंसर आ जाएगा जीरो। तो इसका आंसर आ जाएगा जीरो, ठीक है। एज कॉलम वन, ये कॉलम वन है, एज कॉलम वन, ठीक है, कॉलम वन हैज, कॉलम वन हैज ऑल एलिमेंट जीरो, ऑल एलिमेंट जीरो, ठीक है। तो कॉलम वन में अगर सारे एलिमेंट अगर जीरो अगर होते हैं तो ये आंसर आ जाएगा जीरो। वैसे अगर यहां पे अगर सारे एलिमेंट अगर जीरो अगर आ जाए, ठीक है, और यहां पे अगर सेवन अगर हम लोग कर देते हैं तो यहां पे हम क्या आ जाएगा, देखो ऑल एलिमेंट जीरो, तो अभी भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। एज ये रो वन, रो टू और रो थ्री, ठीक है, तो ये रो थ्री है, एज रो थ्री हैज ऑल एलिमेंट जीरो, ऑल एलिमेंट जीरो, ठीक है। किसी भी एक रो में या फिर किसी भी एक कॉलम में अगर सारे एलिमेंट अगर जीरो है तो उस डिटरमिनेंट का आंसर आ जाएगा जीरो, ठीक है। आप डायरेक्ट उसका आंसर जीरो लिख सकते हो, ठीक है, और वहां पे ये वाली प्रॉपर्टी लिख दोगे क्योंकि ये प्रॉपर्टी पहले से प्रूव्ड है, ठीक है, कि अगर किसी वैल्यू किसी रो में सारे एलिमेंट जीरो है, कॉलम में सारे एलिमेंट जीरो है, तो उसका आंसर हमेशा जीरो आएगा। इसको एक्सपेंड नहीं करना है, आप चाहो तो इसको एक्सपेंड करके भी एकदम देखोगे आंसर जीरो आएगा, ठीक है। तो उसमें डायरेक्ट प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे। अभी इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर जिसको प्रॉपर्टी याद है पिछले क्लास में अगर देखे थे अच्छे से तो वो डायरेक्ट इसका आंसर बता सकते हैं, जीरो आएगा। कैसे जीरो आएगा, देखो क्या है, यहाँ पे वन थ्री और वन है, चलो यहाँ तो कुछ भी फ्रेंस, हाँ यहाँ वन फाइव सिक्स, यहाँ वन फाइव सिक्स, ठीक है, मतलब रो वन और ये रो थ्री क्या हो गया, ये दोनों सेम हो गया, तो इसका आंसर जीरो आएगा, एज रो वन इज इक्वल टू रो थ्री, ठीक है, इसका आंसर जीरो आ गया। डायरेक्ट ये तो प्रॉपर्टी है कि अगर दो रो या दो कॉलम अगर सेम है, ठीक है, दो रो या दो कॉलम अगर सेम है तो उसका आंसर हमेशा जीरो आता है। तो ये हम लोग बस प्रॉपर्टी रिवाइज करने के लिए कर रहे हैं, इसको आप आराम से एकदम देखो फिर हम लोग आगे करते हैं। क्वेश्चन मैडम क्या है, यहाँ वन 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 दिया है, यहाँ बी सी, यहाँ सी ए, यहाँ ए बी, ठीक है, यहाँ ए बी प्लस सी। अभी इसको जरा हम लोग कैसे देखें कि क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो ये चीज समझने के लिए पहले इस ब्रैकेट को पहले एक बार सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट को हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ वन वन वन, यहाँ बी सी, यहाँ सी ए, यहाँ ए बी, और फिर इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ए बी प्लस ए सी, फिर ये बी का बी सी प्लस बी सी प्लस बी ए, फिर ये सी का मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ए प्लस सी से बी के साथ, तो सी बी, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा सी ए और सी बी। तो पहली बात हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। उसके बाद अभी जरा हम लोग थोड़ा इसमें देखेंगे, ठीक है, चाहो तो इसको एक्सपेंड करके सॉल्व कर सकते हो, आंसर तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम लोग गौर करेंगे, ठीक है, इसको एक्सपेंड करके अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा और टाइम लग जाएगा। तो हम लोग प्रॉपर्टी कैसे यूज करेंगे, देखो यहाँ पे ए बी है, यहाँ ए सी है, यहाँ बी सी नहीं है, तो बी सी यहाँ, यहाँ बी सी है, यहाँ ए बी है, तो यहाँ ए सी नहीं है, ठीक है, यहाँ ये दोनों है तो ये नहीं है, ठीक है, देखो यहाँ ए बी है तो यहाँ ए बी नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको और फिर ये प्लस कर लेते हैं, तो ये हो गया कॉलम थ्री और ये कॉलम टू, यानी कि तो हम लोग क्या करेंगे, कॉलम थ्री को ले जाएंगे कॉलम थ्री प्लस कॉलम टू, ठीक है, मतलब इस कॉलम थ्री को, ठीक है, कॉलम थ्री को हम लोग ले जाएंगे कॉलम थ्री में, प्लस कर देंगे कॉलम टू को। तो अभी ये दम कितना हो जाएगा, यहाँ वन वन वन, यहाँ बी सी, यहाँ सी ए बी, अभी इसके साथ अगर हम लोग प्लस कर देंगे तो ये ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी, फिर से यहाँ पे भी हो जाएगा ये सी ए प्लस बी सी प्लस बी ए, इसमें हम लोग प्लस कर लेंगे तो ए बी प्लस सी ए प्लस सी बी, ठीक है, सिंपल। इस दोनों को मतलब इस वाले कॉलम टू को कॉलम थ्री में प्लस कर देना है, तो यहाँ पे देखो ए बी है, ए सी है और बी सी हम लोग प्लस कर लिए, ठीक है ना, तो इन तीनों को हम लोग इन दोनों को प्लस कर लिए तो इतना आ गया। अभी देखो यहाँ ए बी है, यहाँ भी ए बी है, यहाँ भी ए बी है, ठीक है, यहाँ ए सी है, यहाँ भी ए सी है, यहाँ भी ए सी है, यहाँ ए बी है, यहाँ भी ए बी है, ठीक है, देखो यहाँ ए सी, यहाँ ए बी, ओ सॉरी बी सी, यहाँ बी सी आएगा, बी सी, ठीक है, तो यहाँ बी सी है,
यहाँ भी बीसी है और यहाँ भी बीसी है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि टेकिंग ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी फ्रॉम कॉलम थ्री, ठीक है, क्योंकि ये कॉलम थ्री है ना, कॉलम थ्री में ए बी ए सी और बी सी तीनों में है, ठीक है, ये इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये जब तीनों में है तो हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये तो हो गया, ये इन दोनों को पहले हम लोग प्लस कर दिए तो अब ये कॉमन आ गया, तो कॉमन हम लोग अगर कॉमन अगर ले लेते हैं तो इसको ले लो बाहर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको अगर हम लोग बाहर अगर ले लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा ये ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, ये बाहर आ जाएगा और यहाँ पे अब ये वन 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 बन जाएगा, ठीक है। जब हम लोग कॉमन जब निकाल देंगे तो यहाँ पे सिंपल वन 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 आ गया, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट लाइन एकदम क्या लिखेंगे कि इसका आंसर आ गया जीरो। जीरो क्यों आएगा, क्योंकि एज कॉलम वन एंड कॉलम थ्री आर सेम, ठीक है, ये कॉलम वन और कॉलम थ्री सेम है तो इसका आंसर आ जाएगा जीरो, ठीक है। चलो तो इसके आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव में, देखो यहाँ पे टू यहाँ थ्री फोर, अभी जरा इसको गौर करोगे कि हम लोग क्या यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करें, तो हम क्या प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं देखो जरा देखना पड़ेगा, ठीक है, आपको भी देखो यहाँ फोर है, यहाँ एट है, यहाँ ट्वेल्व है, मतलब ये फोर का मल्टीपल है, यहाँ टू फाइव सिक्स ये तो मल्टीपल है नहीं, ये थ्री थ्री टू या सिक्स थ्री थ्री या नाइन, मतलब इसमें से हम लोग थ्री कॉमन ले सकते हैं, इसमें से फोर कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। चलो तो पहली बात हम लोग ये कॉट निकाल सकते हैं, या फिर और क्या कर सकते हैं बच्चों, देखो यहाँ से थ्री एक्स कॉमन ले लो, यहाँ भी थ्री है, यहाँ भी थ्री है, ये थ्री थ्री या नाइन, थ्री टू या सिक्स और थ्री फोर या ट्वेल्व, तो यहाँ से थ्री कॉमन ले लो, यहाँ से भी थ्री, यहाँ से भी थ्री, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि टेकिंग, ठीक है, कोई एक कर सकते हैं, देखो यहाँ पे दो करना पड़ेगा कि इसमें से थ्री कॉमन लो, इसमें से फोर कॉमन लो, ठीक है, तो दो बार करना पड़ेगा या फिर इसमें एक बार इधर करना पड़ेगा, टेकिंग थ्री एक्स फ्रॉम ये रो वन रो टू रो थ्री फ्रॉम रो थ्री, ठीक है, तो रो थ्री से रो नंबर थ्री से हम लोग थ्री एक्स कॉमन ले लेंगे, दो रो थ्री में यानी रो टू, तो रो वन रो टू वैसे ही रहेगा, तो यहाँ टू यहाँ थ्री फोर फाइव सिक्स एट ये तो सेम रहेगा, यहां से हम लोग थ्री एक्स जब हम बाहर जब हम निकालेंगे तो ये थ्री एक्स आ जाएगा यहाँ पे, ये डिटरमिनेंट के बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे थ्री अगर एक्स थ्री एक्स कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, थ्री एक्स कॉमन ले लिए तो एक्स बाहर आ गया, थ्री बाहर आ गया तो टू, यहां से एक्स बाहर ले लिए थ्री बाहर ले लिए तो थ्री, यहां से एक्स बाहर ले लिए थ्री बाहर ले लिए तो फोर, ठीक है, तो सब में से हम लोग थ्री एक्स कॉमन ले लेंगे, तो अब ये आंसर डायरेक्ट आ गया जीरो। देखो एक्सप्लेन करते तो बहुत टाइम लगता, तो इसलिए प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए, आगे बहुत काम आता है ये, तो हम लोग जीरो क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ टू थ्री फोर, तो रीजन क्या लिखेंगे कि एस ये रो वन और ये रो टू रो थ्री, ये रो थ्री, तो रो थ्री और रो वन ये क्या है, रो वन एंड रो थ्री आर सेम, ठीक है, ये रो वन और रो थ्री सेम है तो इसका आंसर आ गया जीरो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा तो अभी हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है, तो यहाँ पे आगे देखो ये एकदम डिटरमिनेंट है और इसको हम सॉल्व करना है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा अब लेवल टू में हम लोग चले गए, ठीक है, अभी तक क्वेश्चन नंबर फाइव जो है थोड़ा हम लोग सिर्फ प्रॉपर्टी सीख रहे थे, वहां पे हम लोग एक एक प्रॉपर्टी लगा रहे थे या फिर दो प्रॉपर्टी लगा रहे थे, यहाँ पे हम लोग तीन चार प्रॉपर्टी लगाएंगे, मतलब ये थोड़ा लंबा जाएगा, तो ये ठीक ठाक क्वेश्चन है, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है, अच्छे से इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो इसमें देखो यहाँ पे क्या दिया, यहाँ बी बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ बी सी, ठीक है, यहाँ बी सी है, यहाँ सी ए है, यहाँ ए बी है, मतलब क्या छूट रहा है, ठीक है, जरा तुम एक बार ध्यान दो, यहाँ पे ए छूट रहा है, यहाँ पे बी छूट रहा है, यहाँ पे सी छूट रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखो बी स्क्वायर है सी स्क्वायर, मतलब बी है सी है ए नहीं है, यहाँ सी है ए है बी नहीं है, यहाँ ए है बी है सी नहीं है, मतलब इन दोनों में सी नहीं है, तो सी से इसमें मल्टीप्लाई कर दे पूरे में, और इसमें हम लोग ए से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यहाँ ए नहीं है, यहाँ भी ए नहीं है, यहाँ ए है सी है बी नहीं है, तो इन सब में हम लोग बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि ये कौन सा, ये रो वन, यानी रो वन को हम लोग ले जाएंगे ए से मल्टीप्लाई करके रो वन, ठीक है, रो टू को ले जाएंगे, ये रो टू है तो रो टू को हम लोग ले जाएंगे, रो टू में क्या मल्टीप्लाई करेंगे बी से, तो बी टाइम रो टू, और रो थ्री को ले जाएंगे, रो थ्री को ले जाएंगे सी टाइम, रो थ्री को ले जाएंगे सी टाइम रो थ्री,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए नहीं है तो रो वन में ए से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ बी नहीं है तो इसमें बी से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ सी नहीं है तो यहाँ सी से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो सिंपल है। अभी ये मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बेनिफिट होगा उसको हम लोग आगे देखेंगे, पहली बात हम लोग ऐसा लगा लिए। ठीक है, अभी कुछ ना कुछ तो हम करोगे तो ये प्रॉपर्टी धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करने से ही आएगा। ठीक है, तो जितना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आइडिया आते जाएगा कि किसमें क्या मल्टीप्लाई करना है, कैसे करना है। ठीक है ना, तो आप पहले प्रैक्टिस करो, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको अभी करने हैं। तो ए से हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए और बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी सी, यहाँ भी ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी, यहाँ ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ए सी, फिर यहाँ पे बी से सब में मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ बी सी स्क्वायर ए स्क्वायर, बी सी स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, फिर से यहाँ पे बी से मल्टीप्लाई करना है तो ए बी सी, ए है बी आ गया सी, यहाँ पे हम लोग बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी, फिर प्लस यहाँ बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी। ठीक है, अभी इसमें सी से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, रो थ्री में सी से, तो सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे ए बी सी, ए बी है सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी प्लस बी सी। ठीक है, तो इसमें ए से मल्टीप्लाई करें, इसमें बी से और इसमें सी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देख सकते हो कि यहाँ ए बी है, यहाँ ए बी है, यहाँ ए बी सी है, ए बी सी है, तीनों में तो कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ भी ए बी सी है, ए बी सी है, देखो ए बी ए बी सी, यहाँ ए बी सी, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि टेकिंग टेकिंग ए बी सी, टेकिंग ए बी सी फ्रॉम, ये क्या है, कॉलम वन और कॉलम टू, फ्रॉम कॉलम वन एंड कॉलम टू। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे इसी टाइप के, तो क्वेश्चन थोड़ा सा रो में एकदम करके बना सकते हैं, इसी को थोड़ा बहुत चेंज कर करके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते जाओ तो आपको खुद ही आ जाएगा। देखो टेकिंग ए बी सी, ए बी सी इसमें से हम लोग कॉमन निकाल देंगे और इसमें से भी ए बी सी कॉमन निकाल देंगे, तो ए बी सी देखो एक बार यहां से हम निकालते तो ए बी सी मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे, फिर से इसमें से भी हम लोग ए बी सी निकाले और इसमें से भी, तो दो बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, क्योंकि यहां से हम लोग एक बार अगर कॉमन निकालते तो एक बार बाहर आता, इसमें भी एकदम निकाले तो एक बार और, तो दो बार हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ए बी सी कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे क्या बच गया, बी और सी बच गया, बी और सी बच गया। यहां से हम लोग ए बी सी अगर कॉमन निकाल दिए तो यहाँ पे ए सी बच गया और यहाँ पे ए बी बच गया। अभी यहां से तो ए बी सी अगर कॉमन निकाल दिए तो यहाँ वन वन वन, और यहाँ पे तो सेम रहने दो, ए बी प्लस ए सी, फिर यहाँ पे बी सी प्लस ए सी, सॉरी ए बी, फिर यहाँ पे ए सी प्लस बी सी। ठीक है ना, तो ये हो गया, आपने हम लोग पहले ये चीज कॉमन निकाल दिए इसमें से और इसमें से भी कॉमन निकाल दिए तो ये बच गया। अभी जरा गौर करना, देखो यहाँ पे ए बी है, ए सी है, क्या नहीं है, बी सी नहीं है, तो बी सी यहाँ पे, यहाँ देखो ए बी है, बी सी है, क्या नहीं है, ए सी नहीं है, तो यहाँ है, यहाँ ए सी है, बी सी भी है, क्या नहीं है, ए बी नहीं है, यहाँ ए बी नहीं है, तो यहाँ ए बी है। मतलब हम लोग क्या करेंगे, ये कॉलम वन और कॉलम थ्री को प्लस करेंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग लगाएंगे, कॉलम थ्री को ले जाएंगे, कॉलम थ्री प्लस कॉलम वन। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहां से हम लोग लगा लेते हैं, कॉलम थ्री को ले जाएंगे, कॉलम थ्री प्लस कॉलम वन। ठीक है, कॉलम थ्री है ये, तो कॉलम थ्री को हम लोग ले जाएंगे कहां पे, तो कॉलम थ्री के और कॉलम वन को, दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, ये कॉलम और ये कॉलम, तो अगर हम लोग प्लस कर देते हैं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, वो यहाँ पे तो कॉलम वन कॉलम सेम रहेगा क्योंकि सिर्फ चेंज कहां हो रहा है, कॉलम थ्री में, तो ये तो वैसे ही रहने दो, यहाँ बी सी, यहाँ ए सी और यहाँ ए बी, यहाँ वन वन वन, फिर यहाँ पे ए बी प्लस ए सी, यहाँ पे बी सी प्लस बी सी प्लस ए बी, फिर यहाँ पे ए सी और प्लस बी सी। ठीक है, अभी देख सकते हैं, सॉरी क्या करना था, ओहो इन दोनों को प्लस करना था, तो इसमें एक और एलिमेंट आएगा ना, प्लस करेंगे तो यहाँ पे बी सी हो जाएगा, प्लस यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ ए सी हो जाएगा और यहाँ पे ए बी हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस ये तो सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा और यहाँ पे इन दोनों को प्लस कर दिए। ठीक है ना, तो अभी देखो यहाँ पे ए बी है, ठीक है, यहाँ ए बी है, यहाँ भी ए बी है, यहाँ भी ए बी है, यहाँ ए सी है, यहाँ भी ए सी है, यहाँ बी सी है, यहाँ बी सी,
यहाँ बी सी और यहाँ भी बी सी, तो हम तीनों में अब ये सेम आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग टेकिंग ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी फ्रॉम कॉलम थ्री, फ्रॉम कॉलम थ्री, ठीक है। तो कॉलम थ्री से हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो कॉलम थ्री से अगर हम लोग कॉमन अगर ले लेंगे तो ये कितना बन जाएगा। अच्छा देखो एक चीज और यहाँ पे छूट रहा है, देखो यहाँ पे ये चीज हम छूट गया ना, ये चीज तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसके आगे जो हम लोग कॉमन जो हम निकाले थे ए बी सी, और ये दो बार कॉमन निकाले थे तो पावर टू दे देंगे, यहाँ पे कॉमन निकाले थे ना दो बार, तो वो हो गया दो बार कॉमन निकाले थे तो ये दो बार की पावर, और ये सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, और इन दोनों को हम लोग प्लस कर दिए तो ये सेम हो गया। अभी हम लोग इसको कॉलम थ्री में से कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा वन वन वन, ठीक है, यहाँ पे वन 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 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा वन वन वन, ठीक है। तो हम लोग ये चीज कॉमन निकाल दिए, तो अब यहाँ पे क्या आएगा आगे, तो ये चीज आएगा ही पहले से था वो, तो ए बी सी का स्क्वायर पहले से था, और फिर ये भी बाहर आएगा, तो यहाँ पे ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, ठीक है, तो ये पहले से था, और फिर ये हम लोग बाहर निकाले थे, तो और यहाँ पे क्या बच गया, ये तो सेम रहेगा। अभी देखो ये और ये सेम है, मतलब अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कैसे, क्योंकि एज कॉलम टू इज इक्वल टू कॉलम थ्री, ठीक है, कॉलम टू और कॉलम थ्री अगर इक्वल है तो ये दोनों अगर इक्वल है तो ये आंसर आ जाएगा जीरो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ठीक है, और भी हम लोग हार्डर क्वेश्चन लेते जाएंगे, ठीक है, जैसे आगे बढ़ेंगे, तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे से समझते जाओ और कॉपी लेकर के इसको लिखते जाओ, ठीक है, क्योंकि आगे और भी क्वेश्चन हार्ड बनते जाएंगे, ठीक है ना, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी बोल सकते, ठीक है, क्योंकि ये इजी है और ये एनसीईआरटी में दिया है, इसलिए मैंने इसको ले लिया, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे बी है और यहाँ भी बी है, यहाँ प्लस भी है, यहाँ माइनस भी है, यहाँ प्लस ए है, यहाँ माइनस ए है, यहाँ प्लस सी है, यहाँ माइनस सी है, ठीक है, ये खुद से देखना पड़ता है। फिर देखो यहाँ माइनस ए है, यहाँ प्लस ए है, यहाँ प्लस सी है, यहाँ माइनस सी है, यहाँ माइनस बी है, यहाँ प्लस बी, यहाँ प्लस ए, यहाँ माइनस ए, माइनस बी प्लस बी, माइनस सी प्लस सी। इसका मतलब क्या होगा, अगर हम लोग इन तीनों को अगर प्लस कर दे, ठीक है, तीनों को अगर प्लस कर दे या फिर इन तीनों को अगर प्लस कर दे तो हम क्या हो जाएगा, देखो जरा इन तीनों को अगर प्लस करते हैं तो हम क्या हो जाएगा, देखो यहाँ प्लस बी, यहाँ माइनस बी, यहाँ माइनस सी प्लस सी, यहाँ माइनस ए, यहाँ प्लस ए, ठीक है, तो हम जीरो हो गया। यानी कि आप चाहो तो यहाँ पे कॉलम वन को ले जा सकते हो, कॉलम वन प्लस कॉलम टू प्लस कॉलम थ्री, या फिर रो वन को ले जा सकते हो, या रो टू को ले जा सकते हो, या रो थ्री को ले जा सकते हो, तीनों को बस प्लस कर दो, रो वन प्लस रो टू प्लस रो थ्री, ठीक है। तो तीनों को अगर हम लोग प्लस कर देंगे तो आप जो भी हम लगाना चाहो वो तुम लगा लो, तो मैं कॉलम वाला पहले लिख लिया हूं तो कॉलम वाला लगा लेता हूं। तो यहाँ पे प्लस बी माइनस बी प्लस सी सॉरी माइनस सी, यहाँ प्लस सी माइनस ए प्लस ए, तो यहाँ पे आ गया जीरो, ठीक है, मतलब इन तीनों को ना प्लस करना है, ठीक है। वैसे देखो यहाँ पे क्या है, ये है सी माइनस ए फिर प्लस, यहाँ पे क्या है ए माइनस बी फिर प्लस, यहाँ पे क्या है बी माइनस सी। अभी ये तीनों को प्लस करना था, ये कॉलम वन को, कॉलम टू को और कॉलम थ्री को, तीनों को प्लस करना था, तो ये तीनों को हम लोग प्लस कर देंगे, तो देखो यहाँ प्लस बी माइनस बी, यहाँ प्लस ए माइनस ए, प्लस सी माइनस बी, तो ये क्या आ गया जीरो आ गया, तो यहाँ भी आ गया जीरो, ठीक है, यहाँ भी आ गया जीरो। ऐसे इसको अगर प्लस करोगे तो देखो यहाँ प्लस ए माइनस ए, यहाँ माइनस बी प्लस बी, यहाँ प्लस सी माइनस सी, तो यहाँ भी आ जाएगा जीरो। बाकी ये तो हम सेम हो गया, सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी, ठीक है। इसलिए मैंने बोला भी था कि ये क्वेश्चन ईजी है और ये कम चांसेस है पूछे जाने के, ठीक है, बहुत कम चांसेस है कि एग्जाम में ये मिलेंगे, और मिलेगा भी तो शायद वन मार्क का मिल जाए, तो ये आ गया जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या प्रॉपर्टी यूज करें, इन तीनों को प्लस कर लिए या फिर इन तीनों को प्लस कर लिए तो इसका आंसर जीरो आ जाएगा। हम लोग रूल क्या लिखेंगे कि एज ये क्या है कॉलम वन, एज कॉलम वन हैज ऑल एलिमेंट, ऑल एलिमेंट जीरो, ठीक है, कॉलम वन में, कॉलम वन है ये, कॉलम वन में सारे एलिमेंट जीरो है तो इसका आंसर आ जाएगा जीरो, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं, देखो अब ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन चालू हो गए, ठीक है। इससे पहले हम लोग एनसीईआरटी का एग्जाम्पल कर रहे थे और उसमें से कुछ हमने क्वेश्चन कराए थे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, और बाकी आप जो भी बाकी है उसको आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये वाली एक्सरसाइज में इससे ना एग्जाम्पल से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल अगर आप नहीं करते हैं तो बहुत कुछ मिस कर देंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल जरूर करें और ये वाली एक्सरसाइज का जरूर करें, ठीक है, और मिसलेनियस का एक्सरसाइज कर लें,
पूरे नंबर आ जाएंगे आपको, ठीक है। तो एनसीईआरटी का एग्जांपल हम लोग इसलिए किए थे, कुछ क्वेश्चन किए थे, उससे क्या होता है कि एनसीईआरटी ना लेवल वाइज क्वेश्चन देते हैं ताकि आपका थिंकिंग लेवल इंक्रीज करे। तो इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको पहले प्रॉपर्टी, सारे प्रॉपर्टी याद करा रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज के जब बनाएंगे अच्छे वाले क्वेश्चन तो वही प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे। तो अभी तक हम लोग प्रॉपर्टी सीख रहे हैं, ठीक है। और ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, एक्सरसाइज 4.2, ठीक है। और ये 4.2 एक्सरसाइज अच्छा है, ठीक है, उसको करना है, इंपॉर्टेंट है, चलो कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। तो यहाँ पे जरा हम लोग गौर करते हैं, देखो यहाँ एक्स है, वाई है, जेड है, यहाँ ए बी सी और यहाँ एक्स प्लस ए। अभी ये चीज देखने के बाद कुछ आइडिया नहीं आ रहा, ठीक है। मेन बात ये होता है ना कि क्वेश्चन देखने के बाद आइडिया नहीं आता है कि करे क्या। तो देखो यहाँ पे एक्स है, यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है, यहाँ वाई है, यहाँ जेड है, यहाँ जेड है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको आप ले जा सकते हो, देखो ये क्या है, ये है कॉलम थ्री, तो कॉलम थ्री को ले जाओ, कॉलम थ्री को ले जाओ, कॉलम थ्री और माइनस कॉलम वन। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे x है, माइनस x कर लेंगे, यहाँ y है, माइनस y कर लेंगे, यहाँ z है, माइनस z कर लेंगे, ठीक है। और इसी में दूसरे बार में ले जाएंगे, ठीक है। आप एक साथ दोनों नहीं करना है, ठीक है, या फिर आप चाहो तो ऐसा कर लो, ठीक है, कॉलम थ्री में से माइनस कर लो कॉलम कॉलम वन और माइनस कॉलम टू, ठीक है, दोनों को, या फिर इन दोनों को प्लस करके, ठीक है, एक साथ कर सकते हैं दोनों, या फिर अलग अलग आप चाहो तो कर लो, एक बार कॉलम वन को माइनस कर लो फिर दूसरे बार कॉलम टू को माइनस कर लो, ठीक है। तो ये एक बार में हो जाएगा। तो देखो यहाँ से एक्स में से एक्स माइनस कर देंगे, यहाँ वाई से वाई माइनस कर देंगे, यहाँ जेड से जेड माइनस कर देंगे, यहाँ ए से ए माइनस करेंगे, यहाँ बी से बी माइनस करेंगे, यहाँ सी से सी माइनस करेंगे, तो यहाँ पे सारे एलिमेंट जीरो आ जाएंगे। अब अगर सारे एलिमेंट अगर जीरो आ गए तो आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। तो देखो हम लोग क्या किए, कॉलम थ्री, कॉलम थ्री में क्या है, एक्स प्लस ए, ठीक है, कॉलम थ्री, कॉलम थ्री में एक्स प्लस ए, फिर माइनस कॉलम वन प्लस कॉलम टू, तो कॉलम वन में क्या है, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए, इसको हम लोग माइनस करेंगे। तो अगर हम लोग ये ब्रैकेट अगर खोलेंगे तो यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो अब ये प्लस एक्स कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा जीरो, ठीक है। तो अगर हम लोग ये प्रॉपर्टी अगर यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा जीरो, यहाँ भी आ जाएगा जीरो और यहाँ भी आ जाएगा जीरो, ठीक है। अभी ये तीनों अगर जीरो हो गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जीरो हो जाएगा एज कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री, एज कॉलम थ्री हैज ऑल एलिमेंट जीरो, ऑल एलिमेंट जीरो, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है ना, इसको काफी इजीली। चलो और भी इसको दूसरी मेथड से भी बहुत सारे लोग बनाते हैं, ठीक है, और मैं उसको रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। चलो तो आप चाहो तो कर सकते हो, एक और यहाँ पे प्रॉपर्टी आप चाहो तो लगा सकते हो, लेकिन ये ज्यादा इजी है, तो हम लोग डायरेक्ट ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो अभी हम लोग इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं। अभी देखो यहाँ तो बिल्कुल आइडिया ही नहीं लगेगा कि हम करना क्या, देखो यहाँ टू है, यहाँ 765, 3875, कुछ आइडिया लग रहा है क्या, नहीं लग रहा, ठीक है। तो करो क्या, देखो 65 7 का मल्टीपल है क्या, नहीं है, ये 75 8 का मल्टीपल नहीं है, ये भी इसका मल्टीपल नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, देखो 65 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 से जरा हम डिवाइड कर देते हैं, तो 7 से अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 7 × 9, 9 × 7 = 63 और प्लस 2, ऐसा लिख सकते क्या, ठीक है, 9 × 7 = 63 प्लस 2 = 65, ये 75 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 75 को लिख सकते हैं 8 का मल्टीपल में, कितने बार में, 8 × 64 = 8, 9 × 72 में क्या प्लस करेंगे, प्लस 3 75, ये 86 को हम लोग क्या लिखेंगे, तो 86 को 9 के मल्टीपल में, तो 9 × 81 + 5, ठीक है। देखो ये 9 × 81 + 5 = 86, 75 को 8 × 72 + 3 = 75, 9 × 63 + 2 = 65, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2, 3, 5, 7, 8, 9, ठीक है। देखो अभी आपको ये ना आइडिया नहीं लगेगा, ठीक है, जब तक आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, एक दो बार तुम अच्छे अच्छे क्वेश्चन नहीं कर लोगे, तब तक ये सब मन में आइडिया आएगा नहीं, कंफ्यूजन रहेगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना, सीधे प्रैक्टिस करते जाना, ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बनते जाएगा, ठीक है। तो ये 65 को हम लोग क्या लिखेंगे, 7 × 9 + 2, फिर 75 को, 75 को हम लोग लिखेंगे 8 × 9 + 3, फिर इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिख लेंगे 9 × 9 + 5, ठीक है। अभी इससे क्या हो जाएगा, अभी देखो यहाँ पे प्लस टू है, प्लस थ्री प्लस फाइव, यहाँ 2, 3, 5, तो इस कॉलम थ्री को कॉलम टू से, ये कॉलम वन से माइनस कर लो, मतलब दिस कॉलम माइनस दिस कॉलम, मतलब आप चाहो तो यहीं पे डायरेक्ट एकदम कर सकते हो, ठीक है, क्या कि ये कॉलम थ्री में से कॉलम वन को माइनस कर लो, तो यहाँ पे टू माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 63, फिर
यहाँ पे हम लोग 3 माइनस कर लेंगे तो यहाँ 72, यहाँ 5 माइनस कर लेंगे तो 81, ठीक है। अब डायरेक्ट ये तो लगा सकते हो या फिर एक बार ऐसा करके लगा सकते हो, ठीक है ना। तो अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या यहाँ पे यूज करेंगे, तो नेक्स्ट आप कर सकते हो, देखो माइनस कर लो कॉलम 3 को, कॉलम 3 को ले जाओ, कॉलम 3 को ले जाओ, कॉलम 3 और माइनस कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, ठीक है। कॉलम 3, ये कॉलम 3 को ले जाएंगे हम लोग, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे 2, कॉलम 1 तो वैसे ही रहेगा 2, 3, 5, यहाँ पे 7, 8 और 9, यहाँ पे हम लोग 2 इसमें से माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7 इंटू 9, यहाँ पे हम लोग 3 माइनस कर लेंगे तो 8 इंटू 9, यहाँ पे हम लोग 5 माइनस कर लेंगे तो 9 इंटू 9, ठीक है। चलो तो अभी हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, फिर इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो इतना आ गया। अभी देखो ये 999 कॉमन आ गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि टेकिंग 9 फ्रॉम कॉलम 3, ठीक है। कॉलम 3 में से हम लोग 9 कॉमन ले लेंगे, तो कॉलम 3 में से अगर 9 अगर कॉमन ले लेंगे, यहां से 9 तीनों में से कॉमन ले लोगे, तो यहां पे हम लोग इसको लिख लेते हैं, तो ये 9 अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो 9 तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, 9 बाहर आ जाएगा। और यहां से जैसे ये है देखो, तो इसमें से अगर हम लोग 9 अगर कॉमन ले लिए तो यहाँ पे ये तो 7 बचेगा, यहाँ से भी यहाँ 8 हो जाएगा और यहाँ पे 9 बचेगा, ठीक है। चलो तो और 9 हम लोग बाहर ले लेंगे, ठीक है, 9 यहाँ से बाहर ले लिए, अब देखो यहाँ 7 7, यहाँ 8 8, यहाँ 9 9, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। यहाँ तक तुम समझ गए थे, 9 कॉमन ले लो और फिर 9 कॉमन ले लिए तो यहाँ दोनों इक्वल हो गया, अभी दोनों इक्वल हो गया तो आंसर हो गया 0 एज ये क्या है कॉलम 2, एज कॉलम 2 इक्वल टू कॉलम 3, ठीक है, कॉलम 2 और कॉलम 3 इक्वल हो गया तो इसका आंसर आ गया।